कैथल में घुसते ही हमारी नजर इस वीरान और उजाड़ सी बिल्डिंग पर गई। पूछताछ में पता चला कि ये बिल्डिंग बैंक स्क्वायर के नाम से बननी तो शुरू हुई थी, लेकिन राजनीति के चलते इसका काम बीच में ही रोकना पड़ा। इस बिल्डिंग का मकसद था कि सभी बैंकों के दफ्तर एक जगह हो जाएं, ताकि जनता को सुविधा हो सके। नहीं, रुका नहीं है वो, एक्चुअली उसके टेंडर उसके प्रोसेस में थे, अभी उसके टेंडर जो हो चुके हैं 38 करोड़ का जो है वो काम है, और जो भी शहर के जितने भी बैंक्स हैं वो एक जगह जो होंगे, और इसमें जो जाम की जो स्थिति है, सारे बैंकों की सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है वो सब, और फैसिलिटीज जो है ना सभी लोगों को एक जगह मिल जाएगी, तो वो पुराना जो बस स्टैंड था वहीं पर जो है कैथल में शुरू हुआ है। बैंक स्क्वायर का काम रुकने के बारे में हमने कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी से जवाब तलब किया। बैंक स्क्वायर के अंदर जो है ना और कई घटनाएं बीच में सामने आई हैं, जिसके लिए जो है अभी हमारे पास कोई किसी भी जनता की तरफ से कोई ऐसी डिजायर नहीं आई कि भी आप इसको अपर लेवल पे इसके वो करें। कैथल की दूसरी बड़ी समस्या है ये गंदा नाला। जनता ने हमें बताया कि इस नाले में अस्पताल, बस स्टैंड और कई कॉलोनियों की नाली का पानी आता है। इस वजह से इस नाले के आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनता ने हमें बताया कि इस नाले के चलते इस इलाके के लोगों को डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ काफी समस्या है यहाँ इस ड्रेन की, क्योंकि इसमें इस कॉलोनी का और पीछे भी बस स्टैंड का, सरकारी हॉस्पिटल का और 18 सेक्टर हुड्डा जो यहाँ बनाया गया है, यहाँ गंदा पानी गिरता है और यहाँ अनेकों बीमारियाँ फैल चुकी हैं। यहाँ बैठने में भी बड़ी दिक्कत आती है, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। यहाँ तो लोगों को जीना दुभर हो रहा है, कोई रह नहीं सकता यहाँ, यहाँ रहना बहुत दिक्कत में रहते हैं लोग, क्या करें, गरीब लोग हैं, बस तो गए यहाँ, लेकिन अब दोबारा कहीं जा भी नहीं सकते, इसको छोड़ के कहाँ जाए, अपना मकान छोड़ के। इतनी समस्या है इसमें, कई बार तो इसमें बच्चे गिर जाते हैं, गायें गिर जाती हैं, मरे हुए निकालने पड़ते हैं हमें, और कोई आता नहीं यहाँ प्रशासन का आदमी। यहाँ हम काफ़ी बार तो बीमार हो चुके हैं, सिविल हॉस्पिटल हमारे साथ है, इसमें भी इसका असर पड़ता है, यहाँ भी लोग बीमार लोग यहाँ आते हैं तो इसमें बीमारी, हजारों प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं। हमने कैथल के डिप्टी कमिश्नर से भी कैथल के विकास के बारे में जानना चाहा, लेकिन डीसी साहब ने जो बताया उसके मुताबिक कैथल में विकास तेज गति से हो रहा है। जो कैथल का रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र है वो मेरे पास है, इसमें सबसे पहले जो है भारत सरकार की स्वच्छता से सेवा, हर गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र की तर्ज पे ही गाँव को अभी विकास किया जा सके। इसी प्रकार हमारे 10,000 की आबादी से ऊपर जितने भी गांव हैं उनमें भी ये स्कीम लागू की गई है कि सारे गाँव की सफाई, उनका कूड़ा एक जगह एक करके डंपिंग स्टेशन बना दिया जाए कि वहाँ उनका कचरा सारा एक जगह इकट्ठा किया जाए।